कहानी राज सिमरन। रोहताश ने अपनी लूज बिग जैक शर्ट ढूंढने के लिए अपने पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया था। वो पिछले आधे घंटे से सिर्फ एक शर्ट को ढूंढने में लगा था। उसने एक लाइट कलर की लूज जीन्स पहनी हुई थी, गर्दन पर तौलिया लिपटाए अपने आधे गीले बालों को झटकते हुए फाइनली उसे वो शर्ट मिल गई। रेडियो पर इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना बज रहा था। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। साल था 1995। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था क्योंकि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नए नए रिकॉर्ड्स बना रही थी और 19 के आशिकों के दिल में नई उमंग भर रही थी। रोहताश हीरो बनकर अपनी बाइक की चाबी उठाकर निकल पड़ा। दोपहर के 12 बजे का DDLJ का शो था। थिएटर पहुंचकर रोहताश ने पास में बने PCO से कॉल किया और वापस आकर 2 टिकट्स खरीदे। शो चालू हुआ और रोहताश अपनी घड़ी देखकर अंदर थिएटर में जाकर बैठ गया। 10 मिनट गुजर जाने के बाद रोहताश ने पहले से उसके बराबर में बैठी लड़की से धीरे से कहा, रजनी अब तो अपना चेहरा खोल दो यार, कोई नहीं देख रहा हमें। लड़की ने और धीरे से कहा, नहीं मुझे डर लगता है, मैं अपना चेहरा नहीं खोलूंगी, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। रोहताश ने भी मर्यादा का ख्याल रखते हुए रजनी से जिद करना सही नहीं समझा और फिल्म के बीच बीच में एक दूसरे को देखकर दोनों ही मुस्कुरा देते। रजनी और रोहताश एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते और एक दूसरे से प्यार भी करते। लेकिन ये वो दौर था जब आशिकों को एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए भी जमाने से छिपना पड़ता था, फिर साथ में फिल्म देखने जाना तो बाप रे बहुत दूर की बात थी। इस फिल्म के लिए रोहताश ने रजनी से बहुत जिद की और रजनी भी रोहताश को ज्यादा मना नहीं कर पाई। जान हथेली पर रखकर अपना चेहरा दुपट्टे से बांधकर वो छिपते छिपाते थिएटर पहुंची। यहाँ जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी रजनी के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। रजनी सहेली के घर जाने का बहाना करके आ तो गई थी लेकिन अब उसे घर वापस जाने की चिंता सता रही थी। तो उसने रोहताश से कहा, रोहताश मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत देर होती जा रही है, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। रोहताश ने रजनी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम डरो मत, लेट नहीं होगा, अभी तो फिल्म काफी बची है। लेकिन रजनी अब रोहताश की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी सिनेमा हॉल राज के एक डायलॉग से शांत हो गया जो सिमरन से कह रहा था, तुम मुझसे प्यार करती हो? सिमरन कहती है, सबसे ज्यादा। फिर राज कहता है, मुझ पे भरोसा है? सिमरन की आखिर में कही बात पर सिनेमा हॉल सीटियों और तालियों की गूंज से भर गया जब सिमरन ने कहा, खुद से भी ज्यादा। रोहताश तभी हंसते हुए रजनी को देखने लगा तो रजनी ने कहा, मिस्टर राज ये फिल्म है हकीकत नहीं, तो मैं जा रही हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना कहकर रजनी सिनेमा हॉल से बाहर निकल आई, उसके पीछे पीछे रोहताश भी बाहर आ गया। रजनी अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को और कसकर छिपाने लगी तो रोहताश ने कहा, रजनी कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो ताकि मुझे महसूस हो कि हाँ मैं तुमसे ही मिला हूँ। रजनी ने हंसते हुए रोहताश से कहा, अच्छा महसूस करने के लिए मेरा चेहरा देखना जरूरी है क्या, प्यार मन से नहीं होता? रोहताश रजनी की बातों पर मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है मैडम, जैसा आप सही समझे, हम तो आपकी बातों और यादों से भी काम चला सकते हैं। अगले दिन कॉलेज में रोहताश ने रजनी से पार्क में बैठे हुए कहा, रजनी तुम भी सिमरन जैसा सूट बनवाओ ना, तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा, फिर हम भी सरसों के खेतों में खड़े होकर वैसे ही राज सिमरन की तरह गाना गाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। रोहताश ने ये गाना गाते हुए कहा तो रजनी हंस दी, कितने फिल्मी हो गए हो तुम। मैडम तुम्हारी वजह से मैंने भी इस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं देखा, अब तो शादी के बाद तुम्हारे साथ ही पूरी होगी फिल्म भी और हमारी लव स्टोरी भी, मैं बस अपना MA पूरा होते ही तुम्हारे पापा से बात करने आऊंगा, तुम्हारे साथ और सहारे की बहुत जरूरत होगी तब मुझे। रजनी ने झट से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रोहताश और रजनी आने वाले सुहाने कल के सपने सजाने लगे।
जैसे प्यार में पड़ा हर प्रेमी युगल सजाता है। नवंबर का महीना आ चुका था और सर्दियां दस्तक देने लगी थी। एक रात रजनी के पापा होरीलाल जी ने पाया कि हॉल में एक टेबल पर रखा रहने वाला टेलीफोन अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने जब टेलीफोन के केबल को फॉलो किया तो वो रजनी के कमरे की ओर इशारा कर रहा था। होरीलाल दबे पांव रजनी के कमरे की तरफ चले, जहां दरवाजे के बाहर तक रजनी के प्यार की गर्माहट से भरे लफ्जों को सुनकर होरीलाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनकी मुट्ठी गुस्से से कस गई और चेहरा लाल हो चुका था। उनका जी चाहा कि अभी रजनी को चीख कर बाहर ले आएं और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वहां से चले गए। अगले दिन जब रजनी कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी तो होरीलाल ने उसे रोका और बिना चेहरे पर कोई भाव लाए बोले, आज से कॉलेज जाना बंद है तुम्हारा, बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अंदर जाकर ढंग से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ तुम्हें देखने आ रहा है। रजनी को अपने पापा की बातें सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी माँ ने आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, बाप की नाक कटाते शर्म नहीं आई तुझे? रात रात भर जिससे बात करती है ना, उसका पता भी नहीं चलने देंगे तेरे पापा अगर उसका नाम पता चल गया। माँ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दरवाजा बजने की आवाज से सब नॉर्मल बिहेव करने का दिखावा करने लगे और अपने अपने काम में लग गए। बिना रजनी की मर्जी के उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया। कुछ दिन तक जब रजनी को कॉलेज नहीं जाने दिया गया, फोन उसकी पहुंच से बहुत दूर कर दिया गया, तब रोहताश ने घर पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसके कॉल्स या तो रजनी की माँ उठाती या फिर होरीलाल। इस सब से रोहताश कब का समझ चुका था कि उनके प्यार के बारे में रजनी के घर वालों को पता चल चुका है। रोहताश ने एक बार सोचा कि वो सीधे रजनी के घर जाकर उसके पापा से बात करे, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं उसकी वजह से रजनी की मुश्किलें और ज्यादा न बढ़ जाएं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने रजनी को घर से भगाने का प्लान बनाया। उधर रजनी का रो रो कर बुरा हाल था, रोहताश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। रोहताश और रजनी की एक दोस्त सीमा के जरिए दोनों की बात हुई तो सच रोहताश को पता चला। वही होरीलाल ये सोचकर शांत थे कि अब बेटी सही रास्ते पर चल रही है। रजनी की शादी की तारीख 15 दिसंबर की निकली और रोहताश और रजनी की कोर्ट मैरिज की डेट भी 15 दिसंबर को ही मिली थी। अब समस्या ये थी कि रजनी अपनी ही शादी के दिन घर से बाहर निकलेगी कैसे। उस जमाने में हर दुल्हन पार्लर में सजे ऐसा जरूरी नहीं हुआ करता था, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका था रजनी के घर से बाहर निकलने का। तो उसने होरीलाल से कहा, पापा मैं अपनी शादी में बहुत अच्छी दिखना चाहती हूँ, मुझे मालविया नगर वाले पार्लर में तैयार होना है, प्लीज क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? होरीलाल जो शादी के कार्ड्स पर मेहमानों का नाम लिख रहे थे, उन्होंने रजनी का अपनी शादी के लिए उत्साह देखकर कहा, ठीक है बुक करवा देंगे, लेकिन पिट्टू भैया जाएंगे तुम्हारे साथ वहाँ और लेकर भी तुम्हें अपने साथ वापस वही आएंगे घर, ठीक है? रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसने सीमा से ये मैसेज रोहताश तक पहुँचा दिया। 15 दिसंबर का दिन आ चुका था, दोपहर 12 बजे कोर्ट पहुंचना था। रजनी अपनी मौसी के बेटे बिट्टू भैया के साथ पार्लर पहुंची तो सुबह के 11 बज चुके थे। बिट्टू भैया पार्लर के बाहर रजनी का इंतजार करते करते अब थक चुके थे। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 1 बजा था। उन्होंने जब पार्लर में जाकर रजनी के लिए पूछा तो रजनी वहाँ नहीं थी। बिट्टू भैया के जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। बिट्टू भैया अपने मौसा जी के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए बिना देरी किए वो अपनी बाइक लेकर रजनी को जगह जगह ढूंढने लगे। उधर होरीलाल बार बार अपनी धर्मपत्नी को पूछ रहे थे, देखिए मेहमान आने लगे हैं और बारात भी आधे घंटे में पहुंचने ही वाली है, पता कीजिए बिट्टू आया क्यों नहीं अभी तक रजनी को लेकर। होरीलाल और उनकी पत्नी मेहमानों के सामने अपने डर को छिपाए झूठी हंसी हंस रहे थे, लेकिन दिल में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। होरीलाल को पछतावा हो रहा था कि क्यों ही पार्लर जैसे स्वांग की इजाजत उन्होंने रजनी को दे दी। वकील ने रजनी और रोहताश को आवाज लगाई और दोनों के दस्तखत के साथ ही वो पति और पत्नी के रिश्ते में बंध गए। इत्तेफाक से बिट्टू भैया उसी कोर्ट के बाहर रजनी और रोहताश से टकरा गए। बिट्टू भैया वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। बिट्टू ने चिल्लाकर कहा,
रजनी, ये क्या किया तुमने? रजनी बिट्टू भैया को वहां देखकर कांपने लगी। तभी रोहताश ने कहा, भैया मैं और रजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर वालों ने हमारी बात सुने बिना ही रजनी की शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी जो उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्या आप जानते हैं कि शराब से लेकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने तक, यहाँ तक कि इस शादी को करने के लिए भी उस लड़के ने मुंह मांगी रकम मांगी है। हर वो ऐब है उस लड़के में जो आपकी बहन की जिंदगी खराब कर देता। और जब यही बात रजनी ने आपके मौसा जी को बताई तो उसे तोहफे में मार मिली। क्या ऐसे लड़के के साथ शादी करवाते आप अपनी बहन की? तभी बिट्टू भैया बोले, चलो मान लिया कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन क्या तुमने सही किया इस तरीके से शादी करके? और तू रजनी, तू तो बहुत भैया भैया करती थी ना, तूने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना। एक बार भरोसा करके अपने बिट्टू भैया को बताती तो अपने मन की बात। खैर, अब जब तुम दोनों कांड कर ही चुके हो तो पीछे हटने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिट्टू भैया खड़े हैं तुम्हारे साथ, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। उसी वक्त बिट्टू ने घर जाकर होने वाले दूल्हे का भांडा सबके सामने फोड़ दिया और फिर रोहताश को अपना दोस्त बताकर होरीलाल से कहा, मौसा जी ये मेरा दोस्त है, बहुत काबिल है और इसकी कोई डिमांड भी नहीं है। रजनी की शादी इसी से करवा दीजिए, नाते रिश्तेदारों के सामने नाक भी रह जाएगी और बेटी अच्छे घर में ब्याही भी जाएगी। और इस तरह बिट्टू भैया ने अपने खानदान में बड़े नाम को और भी बड़ा कर दिया। रजनी और रोहताश बिना कोर्ट मैरिज की बनक के एक बार फिर से सबके सामने बाइज्जत पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। और आज 30 साल बाद भी बिट्टू भैया के अलावा किसी दूसरे को उनकी शादी का राज मालूम नहीं। इस कहानी में भी राज को उसकी सिमरन मिल ही गई। बस फर्क इतना है कि यहाँ राज को सिमरन के पापा के सामने पापड़ नहीं बेलने पड़े और ना ही बलदेव सिंह ने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी।